मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग नरक जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो, जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का भोजन करो। यहां तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए, तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूँ मैं, बुद्धा को जानता हूँ, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूँ। वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुद्ध परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। अने आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में, कई धर्मों में तब्दीली आई, चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा का मेरा बुद्ध बनाओ, बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा के अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर फोर ग्रेट ट्रुथ्स, चार हक बातें हैं। सबसे पहली, वक्त का मैं सिर्फ 2-3 मिनट है, 10 बजने को, पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सोरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सोरोज है, मुश्किलात है। नंबर टू, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर थ्री, ये धरती से सोरोज को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर चार, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो एट फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले सूत्र को मैं मानता हूं, इस धरती पे सौरव है। दूसरे सूत्र को भी मानता हूं कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा सूत्र है कि अगर आपको सौरव निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो एट फोल्ड पार्ट फॉलो करो। नाउ तीसरा और चौथा सूत्र कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे सूत्र में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो और चौथा सूत्र में कहा गया है कि एट फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो एट फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्क्रिप्चर्स, जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। Thanks for watching. IIM Islamic Media. Please subscribe, like and share videos.